नमस्कार साथियों, कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। और दोस्तों, मेरी यही कामना भी रहती है कि आप लोग का स्वास्थ्य अच्छा रहे। तो साथियों, आज हम बात करते हैं कि हम लोग आस्था में विश्वास हम खोते जा रहे हैं और नास्तिक बनते जा रहे हैं। हम ईश्वर को याद नहीं करते, हम केवल तभी याद करते हैं जब हम पे पीड़ा कोई आती है, हम मजबूर होते हैं तब हमको ईश्वर की याद आती है, तब उस खुदा की याद आती है, तब उस अल्लाह की याद आती है। वरना मैं कभी अपनी खुशियों में उन अल्लाह को शामिल नहीं करता हूँ, क्योंकि मैं इतना बेकार इंसान हूँ। इंसान का रूप, कोई अच्छे काम नहीं किए और इंसान बन के भी हम ऊपर वाले का शुक्र अदा नहीं किए। और साथियों, यहाँ पे मैं बता दूं कि जब भी परेशानी कोई आती है, हम किसी बीमारी से ग्रसित होते हैं और हम बीमारी को झेल रहे होते हैं, उस दर्द को झेल रहे होते हैं, तब हमको खुदा याद आता है, तब हमको ईश्वर याद आता है, तब मुझे कुछ साइंस और विज्ञान नहीं याद आता, तब इंसान कहता है कि हे ईश्वर, हे अल्लाह, हे खुदा, तू ही बचा ले, तू ही कुछ कर, तू रहम कर दे। और मेरा खुदा जो होता है, मेरा जो खुदा है, तो वो एक नहीं, सत्तर प्यार करने वाला और मोहब्बत और दया करने वाला अल्लाह ताला है। तो इसलिए हमारी जब परेशान हाल में होते हैं, हम तभी याद करते हैं, कभी खुशी में अल्लाह को शामिल नहीं करते हैं, कभी अपने अच्छे दिन आने वाले दिनों में हम ईश्वर को याद नहीं करते हैं। ये हमारी बहुत बड़ी कमी है। तो जब हम बीमार होते हैं तब हम अक्सर याद करते हैं, और बड़े बड़े जो नास्तिक लोग हैं वो लोग भी याद करते हैं और बहुत ही आस्था वाले बन जाते हैं, बहुत ही उनको धर्म के बारे में जानकारी जुटाना चाहने लगते हैं और बहुत ज़्यादा धार्मिक बनने लगते हैं, बहुत ज़्यादा नैतिक वाली बातें करने लगते हैं। कब? जब वो परेशान होते हैं, जब खुदा ने थोड़ी सी कान की चाबी है, तो उस वक्त हम बहुत ही दयालु हो जाते हैं। तो साथियों, फिर हम ईश्वर को याद करते हैं और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि ए ईश्वर, हमें ठीक कर दे, हमारी सेहत को वापस कर दे। ए ईश्वर, मैं बहुत ही परेशान हूँ, मैं बहुत ही तकलीफ में मुब्तिला हूँ, मुझे आराम दे दे, मुझे ठीक कर दे। तब जाके हमारा ईश्वर हम पे थोड़ा सा दया करता है और हम पे रहम खाता है, कहता मेरा बंदा एक भीख मांग रहा मुझसे, तो उसको दया आ जाती है और आपकी बीमारी एक गोली में ठीक हो जाती है। तो साथियों, ये कोई चमत्कार से कम नहीं होता है, क्योंकि गोली में वो औकात नहीं, वो इंजेक्शन में औकात नहीं, वो दवाई में औकात नहीं, वो डॉक्टर में औकात नहीं कि वो आपको ठीक कर दे, पुनर्जन्म दे दे, आपको दोबारा से जिंदगी दे दे, आपको जिंदगी जिंदा कर दे, ऐसी कोई दवा नहीं है। लेकिन क्या है ना कोई बहाना बना के ईश्वर आपको सेहतमंद कर देता है। लेकिन हमको याद तभी आती है ईश्वर की जब हम बड़ी मुसीबत में मुब्तिला होते हैं। तो साथियों, यहाँ पे हम बात करेंगे डिजिटल डॉक्टर केंद्र की। डिजिटल डॉक्टर केंद्र क्या है और कैसे काम करता है? डिजिटल डॉक्टर केंद्र एक मानव सेवा संस्था है जो कि इंसान को एक रूरल क्षेत्र, जो ग्रामीण क्षेत्र के तबके के लोग हैं, जो बड़े शहर में जाके बड़े डॉक्टर को दिखा नहीं सकते, दवाई नहीं ले सकते, सिर्फ इसलिए क्योंकि उनके पास पैसे का अभाव है, वो गरीब हैं, वो अज्ञान हैं, वो जाहिल हैं, वो गंवार हैं, वो इसलिए नहीं जा सकते क्योंकि उनके पास इतना पैसा नहीं और इतना रिसोर्स नहीं। तो मैं उनके लिए एक MBBS MD डॉक्टर एंड स्पेशलिस्ट, जो विशेषज्ञ डॉक्टर होते हैं, उनकी मदद से, वीडियो कॉल की मदद से व्हाट्सएप डॉक्टरी सलाह फ्री में प्रोवाइड कराता हूँ, और उसका प्रिस्क्रिप्शन यानी दवा का पर्चा मैं मरीज के व्हाट्सएप पे भिजवाता हूँ, फिर उसको अपने नज़दीकी मेडिकल स्टोर पे दवा लेके मरीज खाता है और ठीक हो जाता है। उससे हमको एक आत्मिक सुख मिलता है और हम उससे बहुत ही सुकून महसूस करते हैं। तो साथियों, आप ये वीडियो शेयर करिए, मेरा साथ दीजिए, मैं क्योंकि आप भी थोड़ा सा सहयोगी बनिए मेरे, क्योंकि आप भी परोपकार करेंगे। अगर आपने वीडियो शेयर किया तो हो सकता ये वीडियो उन लोगों तक पहुंच जाए जिनको शायद मेरी ज़रूरत है। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपको वीडियो देखने के लिए। तब तक के लिए नमस्कार, मिलते हैं फिर किसी छोटे वीडियो के साथ।